ભાવનગર મીડિયા ન્યૂઝ. ડાકોર ગામની અંદર ભગવાન વિશ્વકર્માનું 103 વર્ષ જૂના મંદિરને વિશ્વકર્મા ભગવાનની સોનાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમાં ઉજવ્યો હતો, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશ અખિલ ભારતીય વિશ્વકર્મા શિલ્પકાર મહાસભાના અધ્યક્ષ તથા ઉત્તર પ્રદેશ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી શ્રી રામ આશરે વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે વિશ્વકર્મા વંશજો સંગઠિત થવું જોઈએ અને સરકારને વિશ્વકર્મા વંશ લોકો માટે યોજનાઓ બહાર પાડવી જોઈએ. ભાવનગર મીડિયા ન્યૂઝ બ્યુરો ચીફ સુરત રાજેશભાઈ ગોહિલ, રિપોર્ટર દીપક વિદેવળિયા. હું છું દીપક દેવળિયા, ભાવનગર મીડિયાની સાથે. અત્યારે આપણે ઉત્તર પ્રદેશના જે પૂર્વ મંત્રી છે અને અહીંયા વિશ્વકર્મા ભગવાનના જે ડાકોરમાં અત્યારે સુવર્ણ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા છે ત્યાં આપણે દર્શન માટે આવેલા છે, તો આપણે એની એક પરિચય લઈએ. નમસ્કાર સર, બધા કે પરિચય લઈએ સર. વિશ્વકર્મા ઉત્તર પ્રદેશ મેં સમાજવાદી પાર્ટી કી સરકાર મેં पूर्व शिक्षा मंत्री रहा हूँ और वर्ल्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ और विधायक हूँ. आज हम यहाँ डाकोर में भगवान विश्वकर्मा के मंदिर कंपनी के अवसर पर यहाँ पर आए और भगवान विश्वकर्मा का दर्शन भी किया और संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लिया. तो आज जो विश्वकर्मा भगवान जी का जो यह सुनहरी मूर्ति का जो प्रतिष्ठा है, तो यहाँ पूरे विश्वकर्मा के वंशक लोग आए हुए हैं, गांव देश राज्य से बाहर से भी. तो इसके बारे में, विश्वकर्मा वंशक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान विश्वकर्मा का शुरू से ही बहुत ही गौरवमयी और गरिमामयी इतिहास रहा है. इस सृष्टि पर निर्माण का कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया है. ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि बनाई है तो सृष्टि पर सारा डेवलपमेंट के काम भगवान विश्वकर्मा ने किया है और इन्हीं लिए ब्रह्मा जी का दूसरा रूप भगवान विश्वकर्मा को कहा जाता है. समय समय पर देश काल में, इस दुनिया में, इस देश में जितने भी विकास के निर्माण के काम हुए, जितने भी आविष्कार हुए, आधुनिक भारत को बनाने में जितना भी योगदान हुआ, वो सब भगवान विश्वकर्मा ने और उनके वंशजों ने देने का काम किया है. और केवल निर्माण का ही काम नहीं, बल्कि राजनीति, सत्ता और सरकार भी चलाने का काम किया है. यहाँ पर बताया गया कि श्रीनगर में हमारा कई वर्षों तक राज रहा है. अब्राहम लिंकन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति हुए थे, जो लोहार के बेटे थे, विश्वकर्मा समाज के थे. ज्ञानी जय सिंह पंजाब में एक बढ़ई के बेटे थे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने. और इतना ही नहीं, सूचना क्रांति लाने का काम सैम पित्रोदा ने विश्वकर्मा समाज के बेटे ने किया. सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति का प्रारूपकार और वास्तुकार वीर राम सरकार थे. ऑस्ट्रेलिया में साइकिल का निर्माण मैकमिलन ने किया. होंडा गाड़ी बनाने का काम साइकिल और जापान के ने किया. तो इस तरह से राजनीति से लेकर के तमाम क्षेत्रों में विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा योगदान. मतलब में ये कहा जाना चाहिए कि जिस तरह से विश्वकर्मा भगवान ने जिस सृष्टि का सृजन किया है, उसी तरह विश्वकर्मा वंशक लोगों ने भी इस सृष्टि पे जो भी आधुनिक चीजें, उनका भी सृजन विश्वकर्मा वंशक लोगों ने ही किया. निश्चित रूप से भगवान विश्वकर्मा के ही लोगों ने किया है और किसी दूसरे ने नहीं किया है. लेकिन इतना बड़ा भगवान विश्वकर्मा के वंशज, जो आज विभिन्न नामों से लोहार बड़ई, सुनार टटेरा, कसेरा, रामगढ़िया, पांचाल, धीमान, गज्जर, सुनार, जांगीर से लेकर के तमाम नामों से जाने जाते हैं, इनके इस देश में 7.5% से ज़्यादा जनसंख्या है, आबादी है. बराबर. लेकिन इनकी न तो राजनीतिक ताकत बन पाई और न तो सामाजिक ताकत बन पाई. हम तमाम संगठनों में, तमाम पार्टियों में बटे होने के कारण हम एकजुट नहीं हो पाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजनीति में हम सबसे पीछे रह गए. हमारा प्रयास है कि लोग जो है अपनी ताकत को समझें, अपनी जनसंख्या को समझें और एकजुट हों और विश्वकर्मा समाज के सम्मान, अधिकार, राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए सब जो है राजनीतिक प्लेटफार्म पर आए
और सरकार में मंत्री बनकर के सरकार की कलम चलाने का काम करें, तब इसका समाज विकास के रास्ते पर जाएगा। बराबर है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि सरकार ने जिनके विश्वकर्मा जो वंशक है उनके बारे में कभी सरकार ने सोचा नहीं है। तो विश्वकर्मा वंशक के लिए आज तक कुछ सरकार ने नहीं किया और आप भी सरकार के अंदर रह चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सही है कि सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की बड़ी उपेक्षा की और उसका कारण यह रहा कि हम संगठित नहीं रहे, हम अपनी ताकत नहीं दिखा पाए। वो तो संगठित है, यही वो कारण, तो सही है, यही कारण जो सरकारें हैं वो विश्वकर्मा समाज के इशूज को लेकर के, विश्वकर्मा समाज की सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, शिक्षा की समस्या, नौकरी रोजगार की समस्या, पुस्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाने का तमाम समस्याएं हैं, इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, हम 12 साल तक उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य रहे, विधायक रहे, हमने प्रतिदिन विश्वकर्मा समाज की समस्याओं को, उनकी आवाज़, आरा मशीनों का लाइसेंस, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने की बात, विश्वकर्मा समाज के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार की बात लगातार हमने उठाने का काम किया। विश्वकर्मा समाज के 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी घोषित करने का सवाल हमने सरकार में उठाया, हमने कहा कि विश्वकर्मा जन्म से इंजीनियर है, इसलिए विश्वकर्मा समाज के लड़कों को बिना पढ़े ITI का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और जब हम सरकार में, जब हम शिक्षा मंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार में सिमलायम सिंह यादव जी ने शिक्षा मंत्री बनाया, 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन बनाया, तो हमने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करके पूरे देश में विश्वकर्मा की पहचान बनाने का काम किया। तो अभी आप विश्वकर्मा वंशकों के लिए यहाँ आज एकजुट हुए, जितने भी हैं सब यहाँ से, हर कोई राज्य से, यहाँ पूरे देश के राज्य से यहाँ विश्वकर्मा वंशक लोग यहाँ आए, तो मीडिया के द्वारा आप क्या मैसेज सरकार को और ये विश्वकर्मा वंशक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने कहा है कि सब लोग जो है आपसी समझदारी रखें, सहयोग करें एक दूसरे का, सामाजिक ताकत, वो तो सब संगठन की सामाजिक ताकत बनाए, और सामाजिक ताकत के बल पर हम राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहते हैं। जब तक समाज के व्यक्ति MLA नहीं बनेंगे, समाज के व्यक्ति सांसद नहीं, MP नहीं बनेंगे, सरकार में मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक समाज का विकास नहीं किया जा सकता, उनके लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार के लिए, सरकार को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि इतने बड़े सरकार को करना चाहते हैं कि हमारी ताकत को पहचाने, भूल न करे, वरना विश्वकर्मा समाज जिस दिन एकजुट होगा, अगर वो सरकार में बैठाना भी जानता है तो सरकार से लोगों को उतारना भी जानता है, मतलब में ये सीधी सी बात है, अगर विश्वकर्मा वंशक को के लिए सरकारें कुछ नहीं किया तो आगे जाके कुछ भी विश्वकर्मा संगठन हो के कुछ रणनीति करके आगे, उसे अगर सरकारों ने या गुजरात की सरकार ने या केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा की, तो अगले चुनाव में इस सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे, हटाने का काम कर देंगे। ओके, खूब खूब थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एक दो मिनट।